हरिद्वार में कांग्रेस को अलविदा कह भाजपा में शामिल हुए चंद्रमोहन के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता, पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने सैकड़ों कांग्रेसियों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। कांग्रेसियों ने पूरे उत्साह के साथ नमन नमो का गुणगान किया। हालांकि भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वालों में एक पूर्व भाजपाई चंद्रमोहन कौशिक भी घर वापस लौट गए। आज बहुत सारे संगठनों के लोग और सैकड़ों हजारों की तादाद में कांग्रेस से छोड़कर के लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। मैं चंद्रमोहन जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा पैदा किया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का परिवार में वो आज सम्मिलित हुए हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके का पूरा वातावरण बना है, उधर से लाल डांग क्षेत्र से भी सैकड़ों सैकड़ों लोग आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। पोखरियाल जी के नेतृत्व में, जितेंद्र जी के नेतृत्व में, इधर कश्यप जी के नेतृत्व में बीएसपी से भी बहुत सारे लोग छोड़ छाड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। तो कांग्रेस और बीएसपी को छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने वाले उन तमाम हजारों हजारों लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ। इस पार्टी में उनका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे भरोसा है कि जिस आशा के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, क्योंकि हमने विकास किया है, हरिद्वार को 5 साल में इतना विकास किया है कि 50 साल भी पीछे छूट गए, और इसलिए लोगों को भरोसा हुआ है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जिस तरीके से ये देश प्रगति कर रहा है, मुझे भरोसा है कि ये देश दुनिया की न केवल तीसरी महाशक्ति के रूप में विख्यात होगा, बल्कि यहाँ की गरीबी दूर होगी। विकास की सोच जो मोदी जी में सबका साथ सबका विकास, इस गतिशीलता से नए भारत का जो निर्माण हो रहा है, सभी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंडअप जैसे क्रांतिकारी जो नए ऐसा क्रांतिकारी योजनाएं हैं जैसे नए भारत के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। और जिस तरीके से उज्ज्वला योजना में फ्री गैस कनेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से सौभाग्य योजना में जिसको आज 70 सालों में जो अंधेरे पे था उसको रोशनी दी जा रही है, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना में जिसका बैंकों में कभी खाता नहीं था उसको बैंकों का अधिकार मिल रहा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा सहित और आयुष्मान भारत तक तमाम दर्जनों ऐसी योजनाएँ हैं कि इस पूरी लोकसभा में 50 साल में जितना व्यक्तिगत लाभ लोगों को नहीं मिला, इन केवल 5 सालों में मिला है। 50 साल में जितना हरिद्वार लोकसभा में विकास नहीं हुआ, इन 5 सालों में हुआ। संसद में जितने 50 सालों में प्रतिनिधित्व तो नहीं रहा होगा हरिद्वार का, इन 5 सालों में भारत की संसद में भी इसका प्रतिनिधित्व तो किया है। मैंने 50 साल के जो रिकॉर्ड तोड़े हैं, और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ वातावरण, यहाँ की जनता ने भी मन बना दिया कि हम भी हरिद्वार का एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। रिकॉर्ड मतों से इस सीट को मोदी जी को देना चाहते हैं। ये सारी दुनिया जानती है कि भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी होंगी। दुनिया की कोई ताकत अब उनको रोक नहीं सकती, और इसलिए हरिद्वार के लोगों ने भी तय कर दिया कि वो मोदी जी को एक ऐसी भेंट देंगे, ऐसी सौगात देंगे कि उनको हरिद्वार हमेशा याद रहेगा। तो मोदी जी की नीतियाँ रही और जो उनकी देश हित की सोच है और जो उन्होंने पिछले 5 वर्षों में देश हित के कार्य किए हैं, उन सबसे प्रभावित हो गए आज हमने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। जो भाजपा की नीतियां हैं, जो सिद्धांत है भाजपा के, उन पे चलते हुए जो भी जन समस्याएं होगी उनके लिए हम निरंतर आगे बढ़ के संघर्ष करते रहेंगे और जन समस्याओं को दूर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल, जो जो समस्याएं हमारे संज्ञान में आएंगी उनका निश्चित रूप से जो है उन्हें दूर किया जाएगा। सावक मंच जैसा था जो हम है, आपके अनुसार पहले ही आप देखेंगे कि उससे भी और ज्यादा निखर के हम जनता के बीच कार्य करेंगे।